राजस्थान में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान में उपचुनाव की बिसात को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वे 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर चुकी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में पत्रकार से बातचीत के दौरान कांग्रेस के उपचुनाव की रणनीति का खुलासा किया है। डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस ऐलान के साथ ही साफ हो गया है कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि डोटासरा ने इन गठबंधन के सवाल पर कहा है कि अंतिम फैसला आलाकमान लेगा। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 9 महीने के कार्यकाल में सरकार पूरी तरह से फ्लॉप रही है। सरकार तंत्र ठप हो चुका है और अपराध और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही है और किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के विश्वास को तोड़ा है और कांग्रेस इस बार उपचुनाव में जनता की हक की आवाज़ बुलंद करेगी। पत्रकार वार्ता में डोटासरा ने पेपर लीक प्रकरण और शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा ने RPSC के पुनर्गठन की मांग की है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लग सके। उन्होंने शिक्षा महकमे को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन घट गया है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी ठप पड़ी है। राजस्थान की सियासी लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। उपचुनाव के साथ साथ मुद्दों की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि जनता किसके साथ और कौन होगा जो विजय होगा इस उपचुनाव की सियासी दंगल में। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।